नमस्कार, आपका स्वागत है बक्सर खबर के मॉर्निंग बुलेटिन में। इसमें आप खबरें देख सकेंगे बीती रात से लेकर आज सुबह तक की। वैसे आपको बता दें, वीकेंड लॉकडाउन का नियम आज से प्रभावी हो गया है। यह पहला शनिवार है जब प्रशासन द्वारा दो दिन के जारी साप्ताहिक बंदी के आदेश को प्रभावी किया गया है। नियमों के अनुसार शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। आवश्यक सेवा की दुकानें भी शाम 6 बजे तक चलेंगी, लेकिन इससे मेडिकल दुकानों को अलग रखा गया है। वे आवश्यकता अनुसार चाहें तो 24 घंटे खोल सकती हैं। लेकिन अपने यहाँ शहर में कई जगह आपको गुलजार माहौल दिख जाएगा। सामने का दृश्य स्टेशन रोड का है, वहाँ से आप चलेंगे तो रामरेखा घाट के पास भी आपको बहुत सारी दुकानें खुली हुई अवस्था में दिख जाएंगी, क्योंकि यहाँ रात में आने जाने वालों को खाने पीने का सामान मुहैया हो जाता है। नियम तोड़ने की यह परंपरा कोई नई नहीं है, वर्षों से ऐसा होता आया है। शुक्रवार को जिलाधिकारी अमन समीर ने बैठक की और बताया, कोरोना संक्रमितों को देखते हुए अब निजी अस्पतालों में भी लगभग 65 बेड उपलब्ध करा दिए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक बेड विश्वामित्र अस्पताल गोलंबर 20 बेड, प्रताप सागर अस्पताल 20 बेड, बीके ग्लोबल एवं शिवरात्रि अस्पताल क्रमशः 10 और 15 बेड देने की बात इन लोगों ने कही है। प्रशासन ने उनकी दर भी निर्धारित कर दी है और अपने यहाँ सूचना बोर्ड पर वह दर भी लगाई जानी है, ताकि कोरोना संक्रमित मरीज आते हैं तो उनसे अधिक वसूली न हो सके। एक बात आपको और यहाँ ध्यान रखनी है, अगर हर कोई खांसता है तो वह कोरोना का ही मरीज़ नहीं है। लोग इस समय इस महामारी के माहौल में बड़े ही डरे डरे सहमे सहमे से दिख रहे हैं, जिसका नतीजा है कि थोड़ी सी खांसी हुई या बुखार हुआ तो उसे लोग कोरोना ही समझ ले रहे हैं। ऐसे पैनिक माहौल में जांच घर वाले भी लोगों से अधिक पैसे न ले सकें, उसकी दर भी प्रशासन ने निर्धारित कर दी है। हालांकि आपको हम बता दें, अपने ज़िले में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 1224 है और 352 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि कुल संक्रमितों की संख्या 1500 को पार कर गई है। इसके लिए शुक्रवार को डीएम अमन समीर ने प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया था। प्रशासन की टीम लगातार मेहनत कर रही है। डीएम अमन समीर, एसपी नीरज कुमार आदि लोग शुक्रवार को डुमराव अनुमंडलीय अस्पताल भी गए, वहाँ की व्यवस्था को जाकर देखा और स्थिति में सुधार के लिए अपने स्तर से प्रयास किया। हम भी आपको याद दिला दें, आप मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि इस समय स्थिति नाजुक है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन की नज़र बिल्कुल आप पर नहीं है। देखिए यह दृश्य है शुक्रवार की रात आयोजित शादी समारोहों का। मैरिज हॉल में जो समारोह चल रहे थे, वहाँ सदर SDO के उपाध्याय पहुँच गए और उपस्थित लोगों का जायज़ा लिया। हालांकि लोग संख्या में कम थे। अगर आप भी शादी विवाह कर रहे हैं, जैसा कि लोग बता रहे हैं, कुछ भी लोगों की शादी इस माहौल में भी हो रही है और कुछ समझदार लोगों ने अपनी शादियाँ टालना भी शुरू कर दिया है। इसको लेकर प्रशासन अपने तरह से लगातार बैठकें कर रहा है। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। हमारी खबर के प्रायोजक हैं आकर्षक आभूषणों के विश्वसनीय विक्रेता RK ज्वेलर्स एवं कामधेनु नेक्स्ट, नए जमाने की मजबूत सरिया। बक्सर खबर के साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद।